एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर आए पंजाबी म्यूजिक की आन बान और शान सिंगर मीका सिंह। लेकिन मीका सिंह ने आकर क्यों दिया प्रियंका चाहर चौधरी को बड़ा मौका, सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर मीका सिंह आए और यहां पर मीका सिंह का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि मीका तो प्रियंका को ऑफर देने आए थे। जी हाँ, सलमान खान के बाद अब मीका का भी दिल आ गया है प्रियंका पर। आफ्टर ऑल मीका और सलमान कितने अच्छे दोस्त हैं, ये बात तो किसी से नहीं छुपी। ऐसे में मीका ने आकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की। पहले तो मीका घर के अंदर गए, मीका ने घर के अंदर जाकर घर वालों से टास्क करवाया और उसके बाद मीका ने कहा कि वो अपने हिट गाने मौजा ही मौजा का रीमिक्स लेकर आ रहे हैं और ऐसे में उनको बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट पसंद आ गई है जो पतली है, लंबी है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। ऐसे में सभी घर वालों ने प्रियंका का नाम लिया। मीका ने कहा, हाँ प्रियंका, मैं प्रियंका की ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने गाने मौजा ही मौजा का रीमिक्स बनाने जा रहा हूँ। हम आपको बता दें, मीका का गाना मौजा ही मौजा फिल्म जब वी मेट का सुपरहिट गाना था और अब मीका उसका रीमिक्स बनाना चाहते हैं और उस रीमिक्स के लिए मीका की नज़र प्रियंका पर पड़ चुकी है। मीका पूरी तरह से उस गाने को नए रूप से पेश करना चाहते हैं और ऐसे में मीका ने ये भी कहा कि मैं फुल पंजाबी टच देकर तेरा वही पंजाबी अंदाज देखना चाहता हूँ प्रियंका, जो तुमने उडारिया में दिखाया था और उसको देखकर उस गाने में मेरे बोल और तुम्हारा नच मज़ा आ जाएगा। जिसके बाद घर के अंदर भी इस गाने पर ढोल बजे और मीका और प्रियंका ने जमकर घर वालों के साथ डांस किया। वेल दोस्तों, प्रियंका की तो निकल पड़ी, क्योंकि मीका अगर गाना बना रही हैं मौजा ही मौजा तो जाहिर सी बात है कि ये गाना सुपरहिट तो होगा ही, क्योंकि ये टी सीरीज़ का गाना है और टी सीरीज़ के गाने में तो वैसे ही मिलियन व्यूज आते हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।